नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 5 दिन की रिपोर्ट तो यही कह रही है, लॉकडाउन लगने के बाद 5 दिन में राज्य में संक्रमण 61% बढ़ा है। मौतों का आंकड़ा भी करीब करीब दोगुना होता जा रहा है। प्रदेश में अस्पतालों के बेड सिर्फ 10 दिन के अंदर फुल हो गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUHS में 15 अप्रैल तक 1200 में से 603 बेड ही भरे थे, लेकिन पिछले 6 दिन के अंदर सारे बेड फुल हो गए। बुधवार को यहां से कई मरीजों को जयपुरिया और SMS अस्पताल में भेजा गया है। RUHS की स्थिति ये है कि यहां ना तो ICU बेड खाली है और ना ही वेंटिलेटर। राजसमंद व भीलवाड़ा जिले के समीप बाइक पर मौजूद 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों द्वारा बुजुर्ग के कानों से मुर्गियों को छीनने से बुजुर्ग के कान से खून निकलने लगा। कुछ देर पश्चात हल्ला होने पर क्षेत्र के लोग वहां एकत्रित हो गए। वहां मौजूद लोगों ने लूट की वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया व बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाया। धरियावास क्षेत्र में COVID-19 के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रूट मार्च निकाला गया। जिला कलेक्टर रेणु यादपाल के आदेशानुसार ये रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च के माध्यम से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया गया। इस दौरान जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट ने कहा कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है, लेकिन हर जगह पुलिस के जवान मौजूद नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें और पुलिस का सहयोग करें। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन को लेकर देसूरी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी के निर्देशन में क्षेत्र में जगह जगह नाकाबंदी कर दुपहिया वाहन चालकों के बिना मास्क व बिना हेलमेट पाए जाने पर 2 दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए। वहीं हरिओम आश्रम स्थित सड़क मार्ग पर बाहरी वाहनों द्वारा आने वाली सवारियों की RT-PCR रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। देसूरी पुलिस द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करने को लेकर कस्बे में गश्त की जा रही है, साथ ही आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। राजधानी जयपुर में एंटी कोविड टीम ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। एंटी कोविड टीम के सदस्यों ने टोक फाटक स्थित सरकारी स्कूल से रवाना होकर बरकत नगर व आसपास के क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक किया। नगर निगम ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया ने टीम के सदस्यों को रवाना किया। एंटी कोविड टीम में स्कूली स्टाफ के साथ साथ NSS और NCC के छात्र भी शामिल हुए। टीम के सदस्य घर घर जाकर कोरोना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी लोगों को देंगे। आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप एंटी कोविड टीम द्वारा लोगों को जागरूक कार्यक्रम आरंभ किया गया। सभी को हमने कैप और संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का घर घर पहुंचाने का निर्देशित किया गया। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी पालना करेंगे। यही हमारा संदेश है कि दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें और नो मास्क नो मूवमेंट के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उनकी पूर्ण पालना की जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।